जोजो किड्स। छोटा चूजा। एक दिन मुर्गी अपने तीन छोटे छोटे चूजे लेकर दाना चुग रही थी, तभी उसने देखा एक चूजा बड़े से गड्ढे में जा गिरा। अरे ये क्या हुआ मेरा बच्चा, ये तो अभी बहुत छोटा है, अब इसे बाहर कैसे निकालूं? मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी, तभी उसका मालिक वहां आ गया। अरे क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? फिर उसने देखा कि छोटा सा चूजा गड्ढे में गिरा पड़ा है। उसने बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला और उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुर्गी अपने मालिक को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था, कभी कोई कमी रहने नहीं देता था। एक दिन मुर्गी के मालिक ने मुर्गी से कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है मुर्गी। हाँ बेच दीजिए मालिक। मुर्गी ने भारी मन से हाँ कर दी और मालिक ने चूजे बेच दिए। चूजे बेचकर उसे बहुत अच्छे दाम मिले। अरे वाह, चूजे बेचकर इतना अच्छा पैसा मिला, अगली बार भी ऐसा ही करूँगा। अगली बार जब मुर्गी को बच्चे हुए, तब फिर से मालिक ने कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच दूं? मुर्गी समझ चुकी थी कि अब मालिक लालची होता जा रहा है। उसने मालिक से कहा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे, इस तरह आपका खुद का अंडों का व्यापार हो सकता है। आप जल्दबाजी में थोड़े लालच में पड़कर गलती कर रहे हो मालिक। अब मालिक को उसकी यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहती हो, कुछ पैसों के लिए मैं कितना स्वार्थी हो गया था, आज के बाद तुम्हें नहीं बेचूंगा। इस तरह मुर्गी ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचा ली। जादुई केला। बबलू नाम का एक किसान था, उसके पास एक छोटा सा खेत था। वह पूरा दिन खेत में काम करता और शाम होते ही अपने घर चला जाता। बबलू के घर के बाहर एक बड़ा सा केले का पेड़ था। बबलू रोज सुबह शाम उसे पानी देता और उसका ख्याल रखता। केले का पेड़ रोज बबलू का इंतजार करता। सुबह हो गई, बबलू आता ही होगा। बबलू कभी भी पेड़ को पानी देना नहीं भूलता था। अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो, जल्दी ही तुम पर केले लगेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। एक दिन बबलू के गांव में एक मशहूर जादूगर आया। एक दिन जब वह बबलू के घर के सामने से गुजर रहा था, तब अचानक उसकी जादुई चादर तेज हवा के कारण उड़ती उड़ती केले के पेड़ पर जा अटकी। जादूगर को पता भी नहीं चला और वह वहां से चला गया। चादर कई दिनों तक वहीं अटकी रही। कई दिन बीत गए, बबलू का ध्यान केले के पेड़ पर आ रहे छोटे छोटे केलों पर पड़ा। आ ही गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत जल्द ये केले बड़े हो जाएंगे। केले कुछ ही दिनों में पक गए। अरे वाह, आज तो केले पक चुके हैं, इन्हें तोड़कर खाता हूँ। नहीं नहीं, पर पहले एक केला भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ा देता हूँ। बबलू एक केला भगवान के चरणों में चढ़ा देता है और बाकी के केले कुछ बच्चों में बांट देता है। बबलू के केले इतने स्वादिष्ट थे कि सभी बहुत खुश होकर उन्हें खाते। अब हर रोज ढेरों केले पेड़ पर लगते। अरे इतनी जल्दी जल्दी इस पेड़ पर केले कैसे लग रहे हैं? भला रोज इतने ढेरों केले कैसे लग सकते हैं? ये तो प्रकृति का नियम नहीं है, मुझे एक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी दिन जादूगर फिर वहीं से गुजरा और उसने अपनी चादर देखी। अरे ये तो मेरी चादर है, ये मेरी जादुई चादर है। अच्छा ये आपकी चादर है? हाँ कई दिन हुए ये खो गई थी, ये ऐसी वैसी चादर नहीं, ये जादुई चादर है। अच्छा तभी मैं सोचूं मेरे रोज रोज केले इतने ज्यादा कैसे लग रहे हैं, जरूर ये तुम्हारी जादुई चादर का कमाल होगा।
तभी तो मेरे केले जादुई केलों की तरह लग रहे थे। हो सकता है। अंत में बबलू समझ गया, ये कोई आम केले नहीं, ये तो जादुई केले थे जो हर रोज उस जादुई चादर के कारण लगते जा रहे थे। जादुई मेंढक सोनू और मोनू बहुत अच्छे दोस्त थे। शाम के वक्त वे दोनों साथ साथ गेंद से खेला करते थे। एक दिन सोनू ने मोनू से कहा, चलो दोस्त आज नदी किनारे चलते हैं, बहुत दिन हुए वहाँ जाकर नहीं खेला। मगर वहाँ जाएंगे तो हमारी गेंद पानी में गिर सकती है। कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो सही। ठीक है। दोनों नदी किनारे जाकर खेलने लगते हैं। अब उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। सोनू कल से रोज यहाँ आएंगे, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों दोस्त ने तय किया कि अब वो रोज यहीं आकर खेलेंगे। कुछ दिन तक सोनू मोनू वहीं जाकर रोज खेलने लगे। पानी में एक जादुई मेंढक रहता था जो उन्हें हमेशा देखकर खुश हुआ करता था। काश मैं भी इनके साथ खेल सकता, बड़ी ही मजेदार गेंद है, मगर मैं इनके साथ कैसे खेलूं? एक दिन सोनू खेलते समय मोनू से कहने लगा, ध्यान से दोस्त कहीं गेंद को पानी में मत फेंक देना, हमारे पास और गेंद नहीं है। अचानक कुछ देर बाद मोनू से गेंद पानी में जा गिरी। अरे तुमने ये क्या किया? अब हम क्या करेंगे? अचानक मेंढक को मौका मिला। मेंढक ने गेंद को सोनू मोनू को वापस लौटा दिया। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे दोस्त देखो हमारी गेंद वापस आ गई। दोबारा फेंक कर देखूं? नहीं नहीं, अगर फिर न लौटी तो? कुछ नहीं होगा। सोनू ने दोबारा गेंद को पानी में फेंका। फेंकते ही वापस मेंढक ने गेंद को बाहर कर दिया। अरे ये देखो हमारी गेंद फिर से वापस आ गई। कौन है पानी में? कौन है जो हमारी गेंद वापस कर रहा है? मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं हूँ जादुई मेंढक, मुझ में बहुत सी शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, पेड़ पर चढ़ सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या सच में? तुम तो बड़े मजेदार हो, आज से हमारे साथ खेला करो। तुमने हमारी सबसे अच्छी गेंद हमें लौटाई है, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। जरूर। जादुई मेंढक सोनू मोनू का दोस्त बन चुका था। अब जब भी उन्हें खेलना होता वे नदी किनारे ही आते, और जब भी नदी किनारे आते और पानी में गेंद चली जाती तो जादुई मेंढक उनका अपना दोस्त उसे वापस कर देता। घमंडी सांप। कालू सांप को खुद पर बहुत घमंड था, क्योंकि जब भी उसे भूख लगती वह पास के गांव में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता। गांव वालों की उस पर बहुत आस्था थी, वे सब उसे एक एक करके आकर दूध पिलाते। वह चुपचाप दूध पीता और अपने घर जंगल वापस लौट जाता। कालू को कभी भी चोरी करने की या भोजन ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसके भक्त उसे चाहने वाले उसे हमेशा दूध पिला दिया करते थे। इसी बात पर कालू सांप को धीरे धीरे बहुत ज्यादा घमंड हो गया। मेरे जैसा भाग्यशाली भला कौन होगा? जहाँ भी जाता हूँ गांव वाले दूध पिलाते हैं, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं, मुझसे डरते भी हैं और मेरी पूजा भी करते हैं। मुझे कोई कष्ट नहीं, बड़ी आराम से जिंदगी बीत रही है। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत बदहाली फैल गई, बीमारियां फैल गईं, जिस कारण लोग बहुत परेशान रहने लगे। अब कालू को देखकर हर कोई दूध नहीं पिलाता था। अरे ये क्या हो रहा है? आजकल बहुत कम लोग मुझे दूध पिलाते हैं। इन्हें मजा चखाता हूँ, एक को भी डसूंगा तो कल से सब आएंगे दौड़ते हुए मुझे दूध पिलाने। कालू सांप एक बच्चे को डसने के इरादे से गांव में जाता है, लेकिन वहीं उसे एक सपेरा पकड़ लेता है। क्या बात है कालू, आज बच्चे को डसने जा रहे थे? भूल गए इन गांव वालों ने ही तुम्हारी इतनी सेहत बनाई है। लगता है तुम्हें खुद पर बहुत घमंड हो गया है। जानते नहीं पूरा गांव कितना परेशान है। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला क्योंकि खेत सूख चुके हैं, बंजर पड़ चुके हैं और सारे जानवर बीमार हैं। भला तुम्हें दूध कौन पिलाता? मगर तुम तो रहे घमंडी। तुम्हारा घमंड मैं उतारता हूँ,
सब लोग तुम्हारी पूजा करते थे, इसीलिए मैं कभी तुम्हें पकड़ नहीं रहा था, लेकिन आज तुम मेरे कब्जे में हो। चलो मेरे साथ, मैं बीन बजाऊंगा और तुम नाचोगे, और कोई दूध वूध नहीं मिलेगा, समझे? और इस तरह कालू सांप को सपेरा पकड़ कर ले गया, और बेचारे सांप को अपने घमंड के चलते पछताना पड़ा। बिल्ली और मुर्गी। जंगल में एक चालाक बिल्ली रहती थी। उसे चोरी करना बहुत पसंद था। जब भी मौका लगता वह किसी न किसी का खाना चुराती। एक दिन बिल्ली ने देखा एक मोटी ताजी मुर्गी अपने अंडे से बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बाहर आओ, मैंने बहुत से मीठे मीठे दाने तुम्हारे लिए जमा करके रखे हैं। जब तुम बाहर आओगे तब मैं हर पल बस तुम्हारे साथ रहूंगी, एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बिल्ली मुर्गी की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा ये बात है, ये मुर्गी तो बड़ी कमाल की है, खुद भी मोटी है और अपने बच्चों के लिए भी जमा कर रही है। अगर मैं इसका जमा किया भोजन खा लूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्ली ने मुर्गी पर पूरा दिन नजर रखी और मौका मिलते ही सारे दाने खाने के लिए वहां पहुंची। मुर्गी बहुत समझदार थी, उसने पहले से ही अपने जमा किए अनाज के थैले को आसपास छोटे छोटे गुलाब के फूल के कांटों से ढक कर रखा था, जिससे उसके अनाज को अगर कोई चुराए तो उसे कांटा चुभ जाए। और ऐसा ही हुआ, बिल्ली के वहां पहुंचते ही उसे बहुत से कांटे चुभ गए और वह जोर जोर से रोने लगी। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरे पैरों में कांटे, इतने सारे कांटे, हे भगवान, कोई है, कोई है। तभी कुछ देर बाद मुर्गी आई और जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा तो तुम मेरे बच्चों के दाने चुराने वाली थी, अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। आज के बाद कभी खाना मत चुराना, समझी? हाँ हाँ, नहीं चुराऊंगी, पर अब तुम ताने मारना छोड़ो और ये कांटे बाहर निकालो, मैं चल नहीं पा रही हूँ। मुर्गी ने बिल्ली के पैर से सारे कांटे निकाल दिए और कहा, सुनो बिल्ली, खुद परिश्रम करके खाना खाओ तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई। देखो देखो, तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आ रहे हैं, चलो इनका स्वागत करें। दोनों मिलकर नन्हे नन्हे अंडों से जो बच्चे आ रहे थे उनका तालियां बजाकर स्वागत करती हैं। प्लीज सब्सक्राइब।